ले जाना है। डीजे प्रवीण 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 मेरा नाम सत्य प्रकाश बौद्ध है। मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग द्वितीय जो राष्ट्रीय सेमिनार है ये आज का जो दिन है 2 तारीख का ये आज हम लोग नालंदा और राजगीर भ्रमण के लिए निकले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों से लोग आए हैं, यहाँ हजारों की संख्या में लोग वहाँ भ्रमण कर के लिए जा रहे हैं जो तथागत बुद्ध का स्थली है। कितनी बसें? लगभग 18 बसों में हम लोग हैं। क्या इसे संदेश देने वाले हैं? यह संदेश इसका भ्रमण का यही उद्देश्य है कि जो बौद्ध परिपथ हैं उनके भ्रमण से जो बौद्धों के बारे में जानकारी और देश में समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व पर स्थापित जो समाज का व्यवस्था था जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बाद हमें 2500 सालों से जो धर्म परिवर्तन करके बना दिया गया था अछूत बना दिया गया था उसे बताने का यही संदेश है कि हमारा जो इतिहास था हमारा जो गौरवशाली इतिहास था हम राजा कौम के लोग हैं, हम यहाँ के शासक कौम के लोग हैं, हम मूल निवासी बौद्ध लोग हैं। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में आज जा रहे हैं नालंदा राजगिरी और बुद्ध स्थलों के दर्शन के लिए, घूमने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। आइए कुछ बच्चे हैं, जानते हैं इनसे। बेटा कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गाजीपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर से? उत्साह है बहुत ज़्यादा, बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। तो पहली बार जा रहे हैं? यस। क्या सीखने के लिए जा रहे हैं? बस अपने हिस्ट्री को जानने के लिए जा रहे हैं कि मतलब कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री की और क्या एशियंट चीज़ें हैं जो हम जाने और अपने हिस्ट्री को और अच्छे से पहचाने। तो इसके लिए हम लोग आए हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। सर एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ और सबसे ज़्यादा ये कि मुझे अपने हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और किस तरह से हिस्ट्री को जान के अब इनके बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना है ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। कहीं ना कहीं बच्चे एक्साइटेड हैं। महिलाओं से बात करते हैं, बाबा साहब महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दे गए हैं। आज आप जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं सर, राजगीर में जा रहे हैं। वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं? हाँ पहली बार जा रहे हैं। से हम आज गाजीपुर से आए हैं। धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से आ रहे हैं। पूरी टीम गाजीपुर की है? चलिए, जगह जगह से लोग आज, कल की रिपोर्टिंग आपने देखी कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश देश विदेश से जो लोग आए हैं वो सभी लोग भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। मालती राव राष्ट्रीय बहुजन गायिका नमोदय, आप तो पूरे देश में घूमती हैं। सर नमोदय, जय भीम। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों पर, भगवान गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर हम सभी लोग चलने वाले हैं। आप पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर उमड़ करके बोध गया में और नालंदा विश्वविद्यालय सभी लोग भगवान बुद्ध के जो है जन्मस्थली पर सभी लोग आ करके यहाँ पर ढेर सारा ज्ञान के लिए यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और हम लोग बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध के विचारों को, सिद्धांतों को आगे ले चलने वाले हैं और आगे ले जाएंगे, पूरे भारत को बौद्ध में बना करके छोड़ेंगे। ये मालती राव अम्बेडकर का वादा है और कहना है मेरा, आखिरी सांस तक हम कार्य करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। अम्बेडकर नगर से आए हैं आप लोग? जी, जी। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार जा रहे हैं? जी। तो मतलब पहली बार गए थे तो कैसा लगा था और अब की बार जा रहे हैं तो परिवार के साथ आए हैं? जी बस। परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर जिला यूपी से। मैंने भी बार जा रहे हैं? हाँ जी, पहली बार आया है। या बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से मतलब जो हमारी इतिहास से रिलेटिव बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है
जो हम सारी वीडियो शूट करते हैं उनको डालती कहाँ हो? ग्रुप वगैरह में डालते हैं, अपने फ्रेंड के पास शेयर करते हैं। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हमने किया है, पर्सनल फोन भी नहीं यूज करते हैं, पापा के फोन से हम सब कुछ पापा के ग्रुप में भेजते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस नंबर 8 है, जैसा कि आयोजकों ने बताया कि लगभग 18 बसें यहाँ से नालंदा और राजगीर जा रही हैं। जय भीम जय भीम जय भीम। पहली बार जा रहे हैं नालंदा? हाँ नहीं, दूसरी बार जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं पूरा नहीं। कितना उत्साह है इस बार? तो परिवार के साथ आए ना? हाँ बहुत उत्साह है हम लोग। बहुत कम थे इस बार, बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम लोग सामूहिक रूप से मैं परिवार के आए हैं और अपना बुद्धिस्ट जो हमारा विश्वविद्यालय रहा है उसको हम लोग देखेंगे आज, बहुत अच्छा लगेगा हमको, ऐसा हमें उम्मीद है। और आने वाले साल में इसके 4-5 गुना जनसंख्या और बढ़ेगी, अपने समाज के लोग अपने लोग बौद्धिस्ट बहुत आगे जाएंगे। आवाज का इस तरीके की काम करता कैसे, क्या सोच है पीछे? हम लोग जो है सर, आवाज का जो सोच है वो बाबा साहब जो चाहते थे ये देश बौद्धमय राष्ट्र बने, हम लोग उसी में काम कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और ज़्यादातर हम लोग जो है जो काम करते हैं वो क्योंकि हम लोग मूलतः बुद्धिस्ट हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, और अपने बौद्धिस्ट देश को बनाना है, सबको समता का अधिकार हक दिलाने का विचार। बुद्ध का जो शिक्षा है स्वतंत्र समता बंधुत्व के आधारित उसको हम प्रस्तावित करना चाहते हैं, पूरा भारत में नहीं पूरे विश्व में इसको प्रस्तावित करना चाहते हैं। बता फिर सर, अंबेडकर इंटरनेशनल, बड़ी बड़ी सभाएं, बाबा साहब और तथागत बुद्ध का पुनर्विचार, उनको स्थापित करने की जो परिकल्पना है आपके संगठन की, और उसके बाद आज की जो दूसरा दिन है हजारों की संख्या में, किस तरह का ये पूरा माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं बुद्ध की तरफ? एक तो पहले सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। देखिए ये स्थापित है, ये पुनर्विस्थापित है, केवल हम अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। केवल काम यह है कि हमारा जो समाज है, जो को सदियों से शिक्षित शिक्षा से वंचित किया गया, धर्म से वंचित किया गया, संपत्ति से वंचित किया गया, इस समाज को जो वंचित समाज है उसको अपने इतिहास से केवल अवगत कराना है, जागरूक कराना है। हम कोई चीज़ नया स्थापित नहीं करने जा रहे हैं, उनके मूल स्थान से जो बौद्ध का जो दर्शन है, वो बुद्धिस्ट थे, मूल निवासी हैं और बौद्धिस्ट हैं, केवल ये इतिहास के पन्नों पर उनकी जानकारी से दूर रख दिया गया था, बस ये जानकारी कराने के लिए कि तुम्हारा घर ये है, तुम्हारा माई बाप ये है, तुम्हारे पूर्वज ये हैं, खाली उनको समाज को इसी बात को दिखाने के लिए राजगीर नालंदा हम लोग लेके जा रहे हैं ज्ञान की भूमि से बोधगया से। तो इसको जब समझ जाएगा ये समाज तो ये अपना ऑटोमेटिक अपना जो घर द्वार परिवार समझ जाएगा, अपना मूल निवासी होने का गौरव समझ जाएगा, अपना मूल धर्म समझ जाएगा। इसी मूल धर्म को जो बाबा साहब ने स्थापित कर दिया उसे जानकारी कराने के लिए हम लोग आज यहाँ बोधगया ज्ञान की भूमि से नालंदा राजगीर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और पूरे धम्म मिशनरियों के साथ जो हजारों की संख्या में है। नमो बुद्धाय। जय भीम। भोसले साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो देशवासियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे कि वो भी दर्शन करने के लिए आए यहाँ पर? हम अवधगढ़ राष्ट्र अध्यक्ष के नाते सभी देशवासियों को नहीं, पूरे विश्व के लोग ये धरोहर जो बुद्ध की है उसको देखने के लिए आते हैं। पूरे देश में सभी जो मूल निवासी है और जो मूल निवासी नहीं है उन्हीं को भी इसका दर्शन करना चाहिए, जो इतिहास जानना चाहिए, रियल इतिहास क्या है, इस देश का जो सच्ची इतिहास क्या है, जैसा पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी वैसा सच्ची इतिहास, जो रियल इतिहास है उसको जानने की सभी की, जो भारत के रहवासी है, भारत में जो रहते हैं, जो भी है, सभी लोग को इसको जानना चाहिए। और ये जो शिक्षा है स्वतंत्र समता बंधुत्व और न्याय,
उसके ऊपर आधारित है और उसी का पालन सभी लोग करना चाहिए, यही संदेश है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अभाजका की पूरी टीम, आज हजारों की संख्या में लोग और लगभग 20-25 बसों का जत्था राजगीर और नालंदा के लिए अपने इतिहास से रूबरू होने के लिए, परिचित होने के लिए निकलने वही वाला है। यहाँ से बसें लगा दी गई हैं, अलग अलग प्रांतों से जो जो लोग आए हैं उन सभी के प्रांतों के हिसाब से बसें लगा दी गई हैं। BBS3 की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा शास्त्री जी और अभाजका की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैडम नीलम बोझ जी सभी बसों को झंडा दिखाकर यहाँ से विदा करेंगी नालंदा विश्वविद्यालय और राजगीर के लिए। आप देख रहे हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का महासंघ अभाजका आज हजारों की संख्या में एक ऐतिहासिक कदम, हजारों की संख्या में जो पूरे देश से लोग आए हैं उनको उनके इतिहास से रूबरू कराने का जो काम अभाजका कर रहा है बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं इस तरह के कार्य है कम से कम अभाजका से शिक्षा लेकर वो ज़रूर करें, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको तो कम से कम इतिहास से रूबरू कराएं। नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बोधगया, बुद्ध स्थली, कम से कम इन जगहों के दर्शन अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके परिवार हैं, जो उनके बच्चे हैं, क्योंकि जानेगा बहुजन तो मानेगा बहुजन, जब जानेगा ही नहीं तो मानेगा कहाँ से। पिछवाड़े में थोड़ी आग लगा दूंगे, देखो कितनी बच जाएगी। अच्छा कहाँ से आया बाबू? एटा से। आज आप लोग राजगीर और नालंदा जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता पहली बार जा रहे होंगे, लेकिन जो बहुजन इतिहास है जिसको दबा दिया गया उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आज जो पहल अभाजका ने की है
पूरे हजारों की जो संख्या में लोग जा रहे हैं बस के अंदर, तो क्या मैसेज इससे क्रिएट होगा और आने वाले भविष्य में क्या इसका बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी जो संस्कृति है, हम जो पैदाइशी बौद्ध हैं, इसकी जानकारी लोगों तक होगी कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम पहले भी बौद्ध थे, आज भी बौद्ध हैं, और हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है कि ईसा से 563 साल पहले से ही हम लोग यहाँ बौद्ध हैं, और जितनी भी चीज़ें यहाँ आज खुदाई में मिल रही है, जहाँ भी मिल रही है, ये सारी चारी भगवान बुद्ध की देन है, और अशोका ने इसको पूरे दुनिया तक फैलाया है। तो हमारा आवासीय काम ही है कि जो भारत को पूरा बुद्धमय करना है, तो इस तरह के लगातार हमको प्रयत्न करते रहने पड़ेंगे। और क्या, सारे भारत में क्या वजह है कि इतिहास में बौद्धों के इतिहास को दबा दिया गया था और वर्तमान में भी सरकारें उसी काम को दोहरा रही है? ये तो जो है, सीधी सीधी अगर बात बोले तो RSS का ये एजेंडा है कि 100 साल से ये सोच के लग रहे हैं कि जब 2025 आएगा तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। तो ये तो इनकी तमन्ना कभी भी पूरी नहीं हो सकती, हिंदू राष्ट्र कभी ये घोषित हो ही नहीं सकता। जिन्होंने भी इस्लाम के लिए इस्लाम राष्ट्र घोषित किया, उनकी क्या स्थिति? और ये गंगा जमुनी सरस्वती, यहाँ सभी संस्कृतियाँ एक साथ पनपी है, तो यहाँ इस तरह का कुछ भी हो नहीं सकता। और बौद्धों का राज फिर हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मतलब स्थापित होगा, ये एकदम अटल सत्य है, और ये पूरा देश बौद्धमय होगा। तो जो भारत के अंदर जो नव बौद्ध बन रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? नव बुद्ध को ये होना चाहिए कि आप सिर्फ मतलब दिखो नहीं, पूरा वास्तविक जीवन में भी आप उसको अपने जीवन में उतारो। सिर्फ बौद्ध बोलने से नहीं होगा, आपके जीवन में बौद्ध की वो सारी संस्कृति आनी चाहिए जो भगवान बुद्ध चाहते थे। आष्टांगिक मार्ग को और पंचशील को पूरे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी सही माने में हम बौद्ध हो सकेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने जो महत्वपूर्ण विचार आपने हमसे साझा किए, धन्यवाद। धन्यवाद। बसों की रवानगी शुरू हो गई, आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में आज बसें जो हैं यहाँ से चढ़ा। लगातार जो आप देख रहे हैं ये पूरा जत्था है आवाज़का की टीम का, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठन कल्याण संघ जो है उसका ये पूरा जत्था है, जो कि इन्होंने हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पी भोसले, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बुद्धमित मुसाफिर सर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलम जी। नीलम जी, क्या सोच है इतने पूरे जो हजारों की संख्या में कल लोग आए, उन सभी लोगों को आप ले जा रहे हैं और बुद्ध की धरती का दर्शन कराने जा रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी बहुजन समाज के लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम कहती हूँ। ये जो हम बोधगया, राजगीर और नालंदा के इस भ्रमण, बौद्धिक परिपथ के भ्रमण में हम लोग निकले हुए हैं, इसका उद्देश्य ये है कि मूर्त रूप तो हमारे इतिहास का जिंदा है, हम देख रहे हैं इसको, हम देख सकते हैं, लेकिन अब हमको वैचारिक क्रांति करनी है। ये जो हमारा मूर्त स्थल है, इनको देख करके हमको जो वैचारिकी है, हमारा जो समता न्याय और बंधुत्व की वैचारिकी है, उसको हम अपने लोगों के दिलो दिमाग में उद्देलित करना है। हमको इतिहास को जिंदा करना है और अपने भविष्य का निर्माण करना है। उसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम बोधगया, राजगीर और नालंदा के यात्रा पर हैं। नवोदय जय भीम। तो आखिरकार वो समय आ गया जब आवाज़का के राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं,
वो इन बसों को हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। और अभी से ये जो लोग हैं, इनकी जो बसें हैं, वो सब यहाँ से निकलनी शुरू होंगी एक एक करके। लगभग जैसे कि पहले बताया गया 25 से 30 के करीब बसें हैं, जिनके अंदर हजारों की संख्या में लोग जो पूरे देश से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह से कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और जैसा कि नीलम मैडम ने बताया कि राजगीर और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ के दर्शन अपने इतिहास से रूबरू होने के जो प्रक्रिया है, उसको आज ये शुरू कर रहे हैं। बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। पहली बार जा रहे हैं नालंदा? नहीं, हम दूसरी बार आ रहे हैं नालंदा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पिछली बार कम लोग थे, इस बार हजारों की संख्या में लोग हैं। पिछली बार तो कम लोग थे, लेकिन नॉलेज नहीं थी, अब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती जा रही है और हमारी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, आपके जैसे युवाओं को? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी युवा भाई लोग हैं, वो बहुत सक्षम है और वही मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए शुभ माने जाएंगे। मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि सब लोग तामती इसको अच्छे से तामती प्रचार प्रसार करें और आधे तामती उन्नति करें, आधे बढ़ते तामती भागीदारी करें। और बौद्ध गया में सब लोग आते हैं यहाँ पर, सब लोग अपने इतिहास से रूबरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, सब लोग अपने इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। तो बीबीएसत्री का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर आज की इस कार्यक्रम के लिए। ये बीबीएसत्री का बहुत बड़ा हाथ है और सफलता चाहेंगे इसके पीछे कि अच्छा काम की तारे हो रहा है और बहुत बढ़िया है। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने के लिए, अपने इतिहास से रूबरू होने के लिए? जैसे अभी अपने घर गृहस्थी से महिलाएँ तब भी अपने घर में रहती थी तो बाहर मतलब यहाँ पर नहीं मतलब निकल पाती थी समाज में, आज वो आ रही हैं और समाज को जान रही हैं, समाज को बौद्ध धर्म को अपना रही हैं। सभी काम की ज़्यादा काम की सब लोग अच्छा कार्य कर रहा है, इसके लिए मैं सभी महिलाओं को थैंक यू बोलूँगी।
DJ Praveen. Praveen. Praveen.